तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में, या बोल सकते हैं व्हाट्सअप के एक नए फीचर के बारे में, जो कि बहुत दिनों से चल रहा था कि रोल आउट होने वाला है। फाइनली उसको रोल आउट कर दिया गया है। उसका नाम है व्हाट्सअप कम्युनिटी। तो इसको कैसे यूज करेंगे और ये कहाँ आपको मिलने वाला है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप को पहले तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे आपको कैमरे का साइन ऊपर मिल रहा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे चैट्स के बगल में आपको ये थ्री ऐसे मेन्यू बने मिल रहे होंगे। मतलब कि अगर जब आपके ऐसा ऑप्शन मिलेगा, समझ लो आपके पास व्हाट्सअप कम्युनिटी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, इजीली ऑर्गेनाइज योर रिलेटेड ग्रुप्स एंड सेंड अनाउंसमेंट, नाउ योर कम्युनिटी लाइक नेबरहुड और स्कूल कैन देयर ओन स्पेस। जैसा कि मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाई, मैंने बताया था कि जब ये लॉन्च होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक अनाउंसमेंट बना सकते हैं। लाइक आप एक स्कूल में हो तो अलग अलग क्लास वाइज अपने ग्रुप बना रखें, उन पूरे ग्रुप को एक आप कम्युनिटी बना लो, और कोई भी अनाउंसमेंट हो लाइक हॉलीडे अनाउंसमेंट या कोई प्रोग्राम का अनाउंसमेंट, तो आप सिर्फ एक ही बार मैसेज करेंगे, वो सारे ग्रुप में ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट योर कम्युनिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर कम्युनिटी का नाम डालना, लाइक यहाँ पर डाल दिया माय, मैंने यहाँ डाल दिया इसका नाम माय। कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो डाल दो, वो नहीं है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट ग्रुप और ऐड एग्जिस्टिंग ग्रुप। आप मैक्सिमम 21 ग्रुप को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग ग्रुप को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर नया ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ पर नया ग्रुप बना लो, या फिर ऐड करना है तो ऐड एग्जिस्टिंग पे जाओ। यहाँ पर जाने के बाद जो भी आप जिसमें आप एडमिन होंगे, वो ग्रुप आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपको उन ग्रुप में से जितने ग्रुप को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, आपने जो कम्युनिटी बनाई है उस पर लिखा होगा आपका कम्युनिटी का नाम, और उसके नीचे लिखा होगा अनाउंसमेंट ग्रुप, आपको दिख रहा होगा। नीचे आपके तीनों ग्रुप मिल रहे होंगे जितने भी आपने ऐड ऑन किए होंगे। यहाँ पर आपको कैंसिल करना है कोई ग्रुप, तो आप यहाँ से कैंसिल का बटन दबा के हटा भी सकते हो, और बस और कन्फर्म करना हो तो आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर दो। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो एक कम्युनिटी क्लिक होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम्युनिटी में चार ग्रुप हो गए, मतलब कि तीन ग्रुप तो आपने ऐड किया, एक वो खुद का ग्रुप मान लेगा, तो टोटल चार ग्रुप यहाँ पर ऐड ऑन हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, और ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन कर सकते हैं आप, एग्जिस्ट करना है कम्युनिटी को, कम्युनिटी एग्जिट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको कम्युनिटी में ऐड कर लिया तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना है तो कम्युनिटी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन है, अगर आपने कोई कम्युनिटी बनाई है, तो आपको यहाँ डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन भी आपको दे दिया गया। अब फाइनली ये तो हो गया इंटरफेरेंस। यहाँ पर आप जाएंगे प्लस में मैनेज ग्रुप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट कम्युनिटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एंड व्यू मेंबर्स का भी मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक दो यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे, और व्यू मेंबर में जाएंगे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी क्रिएटर, मैंने दो लोगों को ऐड किया हुआ है, तो दो लोग और भी आपको मेंबर ऐड करना है तो इनवाइट पे जाके आप मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं बाय सेंड लिंक बाय व्हाट्सअप, कॉपी लिंक, शेयर लिंक, QR कोड लिंक और रिसेट लिंक। यहाँ पर बस उन्हीं लोगों को शेयर करो जिसको आपको ऐड ऑन करना है। अब यहाँ पर मेन बात, इसको यूज कैसे करें। अब मैंने कम्युनिटी बना ली, मैं यहाँ पर आया माय पे, मैंने यहाँ पर एक मैसेज को टाइप करना है या मैसेज मुझे डालना है, तो मैं यहाँ माय पे गया। माय पे जाएंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ये सारे ग्रुप मिल जाएंगे और सब ऐड ऑन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा हाय हाय सनी, ये मैंने लिख के एक मैसेज डाला, ठीक है। अब ये मैसेज ऑटोमेटिक सारे ग्रुप में चला गया होगा। कैसे, मैं चैट्स में आऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर दिख भी रहा होगा। यहाँ पर मैसेज कैसे जाएगा, मैसेज जाएगा उसको माइक एक क्रिएट हो जाएगी, यहाँ नाम से एक अनाउंसमेंट क्रिएट हो जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा आपने मैसेज कम्युनिटी के नाम से भेजा है। मतलब जाएगा सभी के पास, पर वो कम्युनिटी ग्रुप में जाएगा, अलग अलग ग्रुप में नहीं दिखेगा, आपको एक कम्युनिटी ग्रुप मिलेगा उसमें दिखेगा, और सामने वाले को मैसेज आएगा अनाउंस एनी वन इन द कम्युनिटी माई कैन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द ग्रुप माई मैसेज इन ग्रुप एडमिन। तो आपको ऐसा यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो कम्युनिटी के साथ सबको मैसेज चला जाएगा। तो ऐसा ये वर्क करेगा, बहुत ही कमाल का ये फीचर है। एक्चुअल वर्किंग के लिए आप एक बार उसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको खुद मजा आने वाला है। नॉर्मल ग्रुप की तरह ही है, यहाँ पर आप सजेस्ट जिसको ग्रुप को ऐड करोगे ऑटोमेटिक वो नंबर आपके कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, और उस ऐड से आप डायरेक्ट जिसको भेजोगे तो कम्युनिटी ग्रुप में सबको दिखने वाले हैं। तो ऐसा ही वर्क करेगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।
तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरे कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरे बहुत जल्द 20K होने वाले हैं, तो प्लीज यार जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों।